व्यूवर्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई मशरूम की रेसिपी। तो घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट कैसा आए उसकी सीक्रेट जानने के लिए आप ये रेसिपी एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कढ़ाई मशरूम का सबसे बड़ा सीक्रेट है उसका मसाला और उसका कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा 2 बड़े चम्मच खड़ा धनिया, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1 चम्मच जीरा, 2 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 7 से 8 काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री का और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च। तो जितने सूखे मसाले हैं उसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि उसका नेचुरल ऑयल उसमें से निकले और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए सब्जी में। तो आप गैस पे कढ़ाई रखिएगा या तवा रखिएगा और उसे बहुत ही लो फ्लेम में रखिएगा और मसालों को कुछ इस तरीके से 1 या 2 मिनट तक या जब तक इसमें से खुशबू नहीं आ जाती तब तक आप इसे रोस्ट कर लीजिएगा। तो बस 2 से 3 मिनट के बाद ही इसमें मसालों का बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा, यानी कि कहें कि मसाले की एक अच्छी सी खुशबू आएगी। तब आप गैस ऑफ कर लीजिएगा और इसे एक मिक्सर के बर्तन में डाल दीजिएगा और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे आप फाइन पाउडर बना लीजिएगा। और ये देखिए एक बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया है सब्जी के लिए। और अब बारी आती है सब्जी बनाने की। तो सबसे पहले आप कढ़ाई में डाल दीजिएगा 2 से 3 चम्मच तेल, और यहाँ पर मैंने 1/2 किलो मशरूम लिया है जिसे मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है, मतलब एक मशरूम को मैंने 4 टुकड़े किए हुए हैं। तो तेल में आप इसे डाल दीजिएगा। तो तेल के साथ आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा। तो मशरूम पकते वक्त बहुत ज्यादा अपना मॉइस्चर रिलीज करता है, उसमें से बहुत ज्यादा पानी निकलता है, तो इसे हमें अच्छे से पकाना है। तो आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें। तो मशरूम में से मॉइस्चर रिलीज होना मतलब पानी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक मशरूम पक रहा है हम सब्जी की बाकी तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम टमाटर लिए हैं और इसको मिक्सर में पीस लिया है और इसका एक बहुत ही अच्छा टमाटर प्यूरी बना लिया है। और साथ में ही मैंने 2 मीडियम प्याज लिया है और उसे बारीक काट लिया है। और अब जो ये मशरूम है उसमें से पानी निकलना बंद हो चुका है और पूरा पानी जो है वो सूख चुका है। तो मशरूम हमारा पक के अच्छे से रेडी हो चुका है, इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो मैंने सेम कढ़ाई ली है और उसमें डाल दिया है 4 से 5 चम्मच तेल। अब यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई इसलिए यूज की है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मशरूम का फ्लेवर है, क्योंकि जो पहले का हल्का सा इसमें तेल बचा था उसमें अच्छे से मशरूम का फ्लेवर आ चुका है। आप चाहे तो दूसरी कढ़ाई ले सकते हैं। तो गैस को रखा है मैंने मीडियम फ्लेम पर और तेल अब गर्म हो चुका है। उसमें डाल दीजिए आप कटे हुए प्याज। तो जो प्याज है उसे हमें अच्छे से पहले फ्राई कर लेना है जैसे हम यूजुअली बाकी सब्जियों के लिए करते हैं। और जब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उसमें आप डाल दीजिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आपने प्याज से पहले डाल दिया तो वो पूरा कढ़ाई में चिपक जाएगा, इसी वजह से प्याज को थोड़ा सा पकाने के बाद ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाला जाता है ताकि वो प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो जाए और जले ना। तो अगर ऐसा हो कि प्याज नीचे से चिपकने लग जाए तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ये प्याज को पकाने में भी हेल्प करेगा और नीचे से उसे चिपकने नहीं देगा। तो प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर अगर आपने सब्जी में प्याज कच्चा छोड़ दिया तो सब्जी की पूरी टेस्ट ही बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्याज को अच्छे से फ्राई कर लीजिए ताकि अदरक लहसुन भी अच्छे से उसके साथ फ्राई हो जाए। तो अब ये जो प्याज है वो अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो इसमें आप डाल दीजिए पिसा हुआ टमाटर जो हमने पहले ही बना के रखा हुआ है। तो प्याज के साथ आप इसे कर लीजिए अच्छे से मिक्स, और टमाटर जल्दी से पक जाए उसके लिए आप उसमें डाल दीजिए स्वाद के अनुसार नमक। तो अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल अलग होना स्टार्ट ना हो जाए। तो जो टमाटर है वो अच्छे से पक चुका है, उसके बाद आप उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। तो इससे सब्जी में कलर बहुत ही अच्छा आता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालिएगा। और उसके बाद आप डाल दीजिए इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से इसके साथ थोड़े से फ्राई हो जाए। और ये देखिए कश्मीरी मिर्च डालने की वजह से इसमें कितना अच्छा कलर आया है। तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को मैंने लंबाई पे पतला पतला काट लिया है। तो इसे हमें अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है ताकि मसाले का पूरा फ्लेवर शिमला मिर्च में भी आ जाए। और जो हमारा मेन मसाला था जो हमने स्टार्टिंग में पीस के रखा था वो आप इसमें डाल लें। तो मसाला डालते ही इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। वैसे आप ये मसाला कढ़ाई पनीर के लिए या फिर कोई फूलगोभी की सब्जी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो मसाले को आप बहुत ही अच्छे तरीके से शिमला मिर्च के साथ यहाँ पर मिक्स कर लें। तो शिमला मिर्च को अच्छे से पकाने के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/2 कप पानी।
अगर आपको सब्जी थोड़ी ग्रेवी वाली पसंद है तो आप यहाँ पर 3/4 कप पानी भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक पका लें या जब तक शिमला मिर्च पक नहीं जाती। तो अब यहाँ पर शिमला मिर्च अच्छे से पक चुकी है, थोड़ा सा इसका पानी भी उड़ चुका है, थोड़ा सा ग्रेवी इसमें गाढ़ी हो चुकी है। तो अब ये सही समय है, आप इसमें डाल दीजिए पहले से फ्राई हुए मशरूम। तो मशरूम डालने के बाद हमें इसे मसाले के साथ अच्छे से पका लेना है ताकि जितने खड़े मसाले का फ्लेवर मशरूम में आ जाए। तो मशरूम को मसाले के साथ 5 से 10 मिनट पकाने के बाद आप गैस बंद कर लीजिएगा और उसके बाद उसमें डाल दीजिएगा 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को आप हाथ से मसल कर कुछ इस तरीके से डालिएगा, इसका टेस्ट सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ये सब्जी में जरूर डालिएगा। अब मेरे घर में मैं तो हूँ प्योर वेजिटेरियन, तो हफ्ते में एक बार मैं ये मशरूम की सब्जी बनाकर जरूर खाती हूँ। तो कुछ लोग मशरूम को वेज बोलते हैं, कुछ नॉन वेज बोलते हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो यहाँ जो सब्जी है वो बनके रेडी हो चुकी है, तो इसे मैंने डाला है सर्विंग बाउल में। तो रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई मशरूम की रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।